में हम एक्सरसाइज 10B को कंप्लीट करने वाले हैं। ये चल रही है हमारी क्लास 7 की मैथ्स की सीरीज, जिसमें हम मैथ्स का टोटल सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 7 का। हमारी पिछली वीडियो में हमने ट्रायंगल एंड देयर प्रॉपर्टीज चैप्टर को स्टार्ट करा था, जिससे कि 10A के 4 क्वेश्चन हो गए थे। ठीक है, थ्योरी क्लास भी है अलग से। अब देखो कि इस वीडियो में हम बाकी बचे सारे क्वेश्चन फिनिश एकदम फिनिश करने वाले हैं। ठीक है, तो फिर देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है। इन ट्रायंगल एबीसी, लेकिन उससे पहले तुम लोग क्या बैठे हो ऐसे? लो अपने पेन लो, कॉपी लो और मेरे साथ ये प्रॉब्लम करो। ऐसे निकम्मा बैठने से नहीं होगा। देखो जो मैथ्स है ना, वो आंखों का सब्जेक्ट नहीं है। जैसे आप देख लोगे किसी चीज को, वो आ जाएगी। नहीं, आपको पेन लेना पड़ेगा, कॉपी लेनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप उसको कर पाओगे। ठीक है, इट इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। ठीक है, अब देखो कि इन ट्रायंगल एबीसी 4A 4 एंगल ए, ओके 4 एंगल ए इज इक्वल टू 6 एंगल बी व्हिच इज इक्वल टू 12 एंगल सी, कैलकुलेट एंगल ए। अब ये कैसा प्रॉब्लम है? बहुत ही इजी है, समझ लो बस। कैसे? देखो, इन सब को ना एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दो। अब कैसे करोगे? 4 एंगल ए इज इक्वल टू 6 एंगल बी इज इक्वल टू 12 एंगल सी व्हिच इज इक्वल टू x, ओके। अब देखो 4 एंगल ए इज इक्वल टू x होगा, तो एंगल ए बन जाएगा x अपॉन 4, ओके। अब 6 एंगल बी इज इक्वल टू x होगा, तो एंगल बी इज इक्वल टू हो जाएगा x बाय 6। अब देखो कि 12 एंगल सी इज इक्वल टू x है, तो फिर एंगल सी इज इक्वल टू हो जाएगा x बाय 12। समझो इसको, ठीक है। अब देखो कि करना क्या है, क्या करना है, बस ऐड करना है हमको। ये तो मिल गया हमको, ये है ना ट्रायंगल। देखो ट्रायंगल के ये सारे एंगल्स है, ये ए बी सी। अब ये वालों की हमको तो मिल गई है वैल्यूज, चलो डालो। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब रीजन क्या लिखोगे? सिंस सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज तो डालो। x अपॉन 4 प्लस b क्या है x अपॉन 6 प्लस c क्या है x अपॉन 12 व्हिच इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो कि 4, 6 और 12 का LCM क्या होता है? Obviously 12 होता है, तो 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये बन जाएगा 3x और ये बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, ओके। आप यहाँ पे ये स्टेप भी कर सकते हो, मैंने स्किप करी है, मैं मन में करी हूँ। देखो x मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 3x और ये बन जाएगा 4x 12, ओके। अब देखो 12 क्यों बना रहे हैं? क्योंकि एलसीएम 12 है प्लस। अब यहाँ पे 6 को अगर 12 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 12 और ये बन जाएगा 2x प्लस x अपॉन 12। ये तो भाई साहब पहले से 12 है, ठीक है, व्हिच इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या करोगे? सबको ऐड कर दो, 3 प्लस 2 5 प्लस x इज इक्वल टू 6x अपॉन 12 इज इक्वल टू 18 नहीं रहे 180 डिग्री। अब ये हो गया, क्या करोगे? 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 12, है ना, यहां से यहां की से। अब देखो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री, ऐसे डिग्री बार में लेना, मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन ये 6, तो 6 बन जा क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 6 बन जा 6, ये बन जाएगा 6 2 जा, फिर यहां पे x इज इक्वल टू क्या आया? 180 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 360 डिग्री। क्या बन जाएगा ये? 360 डिग्री। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है? x की वैल्यू आई है हमारे पास 360 डिग्री। ये यहाँ पे ये 6 को क्या हुआ है? इसकी इंक गिर गई, इसलिए ऐसा हुआ है, ओके। ज्यादा चौको मत उसको, कुछ नहीं हुआ उसको, ठीक है, मैं इरेज कर देती हूँ वैसे, तो इरेज, ओके ठीक है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है ये, छोड़ो इरेज ही।
ही कर लेते पूरा। ओके, यहाँ पे सिक्स और इसको हमने काटा, सिक्स बंदा सिक्स, तो x की वैल्यू आई है हमारे पास 360। तो आपको कैलकुलेट क्या करने को बोला था, कैलकुलेट कैलकुलेट क्या करो बोल रहे, एंगल, एंगल a इज इक्वल टू क्या था रे, यहाँ पे 4, यहाँ पे x by 4 आया था, विच इज इक्वल टू x क्या है 360 अपॉन 4, विच इज इक्वल टू 4 9 और ये डिग्री, ठीक है। तो एंगल a इज इक्वल टू क्या हुआ 90 डिग्री, समझो इसको, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो, आप इसको सॉल्व करो, स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट करते हैं। अब सीधा क्वेश्चन नंबर 6, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड एंगल बी इज इक्वल टू 37 डिग्री, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल एट सी। आपको सी की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो इसको समझने के लिए आपको रफ स्केच ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। आपने ये ट्रायंगल निकाला है, अब इस ट्रायंगल को बोलो कि ए बी सी, बोलो मतलब कि क्या सुनता है, उसके कान है नहीं, उसको बोलो मतलब कि नेम दो, ठीक है, ए बी सी। अब ए एंगल है हमारे पास में 64 डिग्री का, बी है हमारे पास में 37 डिग्री का, ठीक है। तो हमारा ये कह रहे कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल एट सी, जो सी है उसके पास जो एक्सटीरियर एंगल बना है, ये है सी के पास का एक्सटीरियर एंगल, तो इसकी वैल्यू फाइंड करो, ऐसा कह रहे हैं। देखो हमने सीखा है कि जो ट्रायंगल होता है, ओके, ट्रायंगल के जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं, ये वाले एंगल होते हैं, ये हमेशा इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल होते हैं। इसके जो अपोजिट इंटीरियर एंगल होंगे उसके सम के बराबर ये एक्सटीरियर एंगल होगा, ऐसा लॉ है, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पे उन्होंने दो अपोजिट एंगल्स इंटीरियर के दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू, अब इसको ऐसा रफ स्केच दे के इसको एंगल एक्स नाम दे दो, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल एक्स। अब ऐसा क्यों कहा हमने, ओके, हमने इसलिए कहा कि द एक्सटीरियर एंगल of triangle is equal to opposite, is equal to sum of opposite interior angle, ठीक है। जो एक्सटीरियर एंगल होता है ट्रायंगल का, वो इक्वल होता है सम के बराबर किसकी, जो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनकी, ठीक है। अब देखो, अब मेरी हैंडराइटिंग को मत देखो तुम, मेरी हैंडराइटिंग तो ऐसी ही है, तुम ऐसे मत निकालना, तुम बहुत ही अच्छे से निकालना, ठीक है, क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग एकदम, ये तो देखो कैसे जा रहे हैं, हवा ओ मैं उड़ता हुआ मैं निकल जाऊंगा कहीं के कहीं पे, इधर क्या एकदम ऐसे स्लोप में होगी, मैंने कोशिश बहुत करी कि सीधी लाइन आए, लेकिन हो जाता है कभी कभी, ठीक है। अब देखो कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एक्स, तो यहाँ पे एंगल ए है हमारे पास 64, ओके, तो 64 वैल्यू पुट करो यहाँ पे, प्लस एंगल बी है 37 इज इक्वल टू क्या आएगा, 7 प्लस 4 इज इक्वल टू 11, 1 विल कम विद कैरी, देन 6 प्लस 3 9 प्लस 1 101 डिग्री, ओके। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आई है एक्सटीरियर एंगल की, 101 डिग्री। देयरफॉर कंफ्यूजन में क्या लिखोगे, द एक्सटीरियर एंगल एट सी इज ऑफ 101 डिग्री, समझे उसको, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, नेक्स्ट कर। Now let's see the question number 7. अब question number 7 कहता है कि calculate the value of x and y in the given figure. आपको दो problems दिए गए हैं A और B. यहाँ पे आपको triangle ABC दिया है question number A में, और B पे है 50 degree का angle, A पे जो interior angle बन रहा है y वो निकालना है, और यहाँ पे उन्होंने A vertex को straight extend करा है, यहाँ पे 70 degree का angle form हो रहा है,
यहाँ पे देखो जो सी है वर्टेक्स वहां पे एक्सटीरियर एंगल है एक्स और इंटीरियर एंगल हमको निकालना होगा तभी तो ये निकलेगा। तो इसीलिए हम इसको डिनोट करेंगे जेड से, इसको किससे डिनोट करेंगे जेड से, और यहाँ पे पॉइंट ई बनाओ। ठीक है, तो अब देखो एक थ्योरी समझा रही हूँ। देखो ये ऐसा है कुछ, ये जो यहाँ पे बन रहा है ऐसा है कुछ, ठीक है। यहाँ पे अगर 70 डिग्री का एंगल बनता है तो ये भी एंगल 70 डिग्री का होगा। ऐसे क्यों? ये अल्टरनेट एंगल है, देखो ये अल्टरनेट एंगल्स है। अगर अल्टरनेट एंगल हुए लाइंस एंड एंगल्स में हमने पढ़ा था, ठीक है, तो अगर अल्टरनेट एंगल्स होते हैं तो वो एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे कि एंगल कौन सा, ये ई ए सी, एंगल ई ए सी इज इक्वल टू एंगल जेड। अब ऐसा हमने क्यों कहा, विच इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब ऐसा हमने क्यों कहा, हम कहेंगे अल्टरनेट एंगल्स। ओके, हम कहेंगे अल्टरनेट एंगल्स। अब देखो ये डायग्राम निकालनी है आपको आंसर में, ठीक है, तभी मार्क्स मिलेंगे। अब ये हो गया, तो देयरफॉर एंगल ए, यहाँ पे ए की जगह पे वाई है ना इंटीरियर में, वाई वाई प्लस एंगल बी प्लस बी के पास तो कोई दूसरा है नहीं, तो एंगल बी भी लिखा तो भी चलेगा। यहाँ पे एंगल जेड लिखेंगे इज इक्वल टू 180। इंटीरियर एंगल की संख्या होती है 180, वैल्यूज डाला। अब वाई तो पता नहीं है तो एंगल वाई रहने दो जैसे वैसे। प्लस बी की वैल्यू क्या है, प्लस बी की वैल्यू है 50, तो यहाँ पे 50 प्लस जेड की है 70 विच इज इक्वल टू 180। अब यहाँ पे देखो कि एंगल वाई इज इक्वल टू क्या हुआ, 50 प्लस 70 कितना होता है, देखो 50 प्लस 70 होता है 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 7 12, इक्वल टू नहीं यहाँ पे प्लस, विच इज इक्वल टू 180। ओके, अब एंगल y इज इक्वल टू 180 माइनस 120, ठीक है, विच इज इक्वल टू, अब ये क्या हुआ बोलो तो, 0 माइनस 0 0, 8 माइनस 2 6, ओके, एंड 1 माइनस 1 0, तो एंगल y हुआ 60 डिग्री का। कितने का, 60 डिग्री का। एंगल y अगर 60 डिग्री का होता है तो एंगल x तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि x क्या है कि वो कहता है कि एक्सटीरियर एंगल है, तो अब एक्सटीरियर एंगल है तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल y प्लस एंगल v इज इक्वल टू एंगल x। ऐसा हमने क्यों कहा, ये इसका रीजन है, हाँ ये इसका रीजन है, सेंस करके ऐसे डैश डैश करके लाइन लेते जाना और ये लिखना रीजन। अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कि इन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल is equal to opposite interior angle, ठीक है। अब देखो कि एंगल y क्या है, एंगल y y y y ये एंगल y कितना निकाला था हमने 60 डिग्री का, ठीक है, प्लस एंगल b 50 डिग्री का, ओके, विच इज इक्वल कितना हुआ, which is equal to angle x1, angle x is equal to कितना हुआ है बोलो तो, 50 plus 60 110, शायद ये सुनो, ठीक है, तो x हुआ 110 डिग्री। I hope आपको समझ में आया हो, तो y की वैल्यू भी निकल गई, x की वैल्यू भी निकल गई, z y साफ भी निकाल दिया हमने। तो ये ऐसा है एक्सप्लेनेशन पूरा ए क्वेश्चन का, ओके, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर बी। अब यहां पे इस डायग्राम को ध्यान से देखो, यहां पे 3x निकालना है जो कि एक्सटीरियर एंगल बना है पॉइंट P पे, और यहाँ पे x है इंटीरियर एंगल Q पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये पता होता है कि जो इंटीरियर एंगल होते हैं ट्रायंगल की उनकी सम क्या आती है, 180 आती है, और जो एक्सटीरियर एंगल होता है ट्रायंगल का वो इक्वल होता है उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल के, ठीक है। तो अब यहाँ पे उन्होंने दिए हैं तो हम कैलकुलेट करते हैं। देखो तो यहाँ पे हम कहेंगे कि एंगल x प्लस 50 इज इक्वल टू 3x। अब इसको रीजन क्या देंगे कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल
इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट लिखना है, इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। ओके, ये रीजन लिखोगे आप। अब देखो कि यहां पे एक्स एंगल एक्स प्लस 50 इज इक्वल टू 3x। अब देखो कि 50 इज इक्वल टू क्या हुआ, 3x माइनस x, 50 इज इक्वल टू 2x। ओके, x इज इक्वल टू होगा 50 डिवाइडेड बाय 2, विच इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू क्या होगा 25। x क्या है हमारे पास में 25। अब x अगर 25 है तो 3x क्या होगा, सिंपल सा प्रॉब्लम है, क्या है कि 3x, देयरफॉर 3x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 25, x की वैल्यू डालो। ओके, 25 3 इज 75। ओके, सो हमारे पास में आ गया है ये एंगल, देयरफॉर एक्सटीरियर एंगल, देयरफॉर क्या लिखने की जरूरत ही नहीं है। ओके, तो लास्ट में कंफ्यूजन लिख देना, x इज इक्वल टू 25 डिग्री एंड 3x इज इक्वल टू 75 डिग्री बस। ओके, सो ये है आज के क्वेश्चंस, हो गया सब। तो आई होप आपको सब समझ में आए होंगे, अगर कहीं पे कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, और नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 10B स्टार्ट करेंगे। तो सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर बेस्ट फ्रेंड। बाय।